वेलकम बैक टू आवर चैनल द मुर्मू कपल। तो जम्मू कश्मीर का ट्रिप हमारा ख़त्म होने को आया है। हम यहाँ पहलगाम से निकल रहे हैं आज सुबह, और दुकान भी हम इतने सुबह निकल रहे थे कि दुकान वगैरह भी खुला नहीं हुआ था, कुछ ही दुकान खुला हुआ था, ऐसे 8:30-9 जैसा बज रहा होगा। और हम पहलगाम से जा रहे हैं अमृतसर, तो यहाँ से कुछ 405 या 406 किलोमीटर का डिस्टेंस है और हमें कुछ 9-9.5 घंटे का टाइम लगने वाला है। तो हम सुबह ही निकल गए हैं, चूँकि हमें पता है कि हमें रास्ते में रुकना भी है बहुत जगह, ब्रेकफास्ट करने के लिए, लंच करने के लिए, फिर अगर कोई सीनिक स्पॉट अगर मिल जाता है तो हम वहाँ पे भी रुक जाएंगे फ़ोटो शूट करने के लिए। तो इसीलिए हम लोग सुबह सुबह निकल गए, और सुबह सुबह निकलने का कारण ये भी था कि हमें ज़्यादा रश या ट्रैफिक, भीड़ भाड़ रास्ते में नहीं मिलेगा। तो जैसा कि मैंने बताया, हम काफ़ी सारे सीनिक स्पॉट पे भी रुकेंगे। तो ये है हमारा पहला स्पॉट, ये पहलगाम से निकलने के बाद ही हमें जस्ट मिल गया था। और यहाँ पे साइड से नदी बह रहा था, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था, एकदम पानी बिल्कुल वाइट लग रहा था, साइड में इस तरह का पत्थर था और सामने जो है माउंटेंस है। तो काफ़ी सारा मतलब यहाँ हमने फ़ोटो शूट वगैरह कराया। पूरा जम्मू कश्मीर ट्रिप में हमने गाड़ी एक बार भी साफ़ नहीं किया, मतलब जितना ज़रूरत होता था हम उतना ही साफ़ करते थे। और एक फ़ोटो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ये वाला। तो हमारा गाड़ी का हाल कुछ इस तरीके का हो चुका था, ये धूल भी नहीं है, ये मिट्टी है, वो जो कीचड़ वाला मिट्टी होता है ना वो है, और ये पूरा तरीके से सूख चुका था और इतना गंदा दिख रहा था कि क्या बताएं। मतलब ये रेड कलर तो दिख ही नहीं रहा था, मतलब नीचे के साइड तो पता ही नहीं चल रहा था कि इसमें रेड कलर का कुछ है। तो फिर हमने सोचा नहीं भाई, अब थोड़ा सा साफ़ करवाते, चूंकि हम अभी सिटी में जा रहे हैं तो साफ़ कराना तो एक बार तो बनता ही है। गाड़ी वाड़ी वॉश कराने के बाद हमने एक जगह पे ब्रेकफास्ट किया, और पता नहीं मुझे ध्यान ही नहीं आया कि कुछ शूट करना है, तो ब्रेकफास्ट का हमने कुछ शूट नहीं किया, सिंपल हमने आलू पराठा वगैरह, दही वगैरह, अचार वगैरह खाया था। और ये सारे जो आप देख रहे हो ना, ये ट्रक हैं, तो ये सुबह में पूरा लाइन इनका लग जाता है, रात में ये ट्रक वाले लोग खुलते हैं। और यहाँ मैंने पहलगाम से अमृतसर हमारा काफ़ी ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस तो नहीं बोलेंगे, बट ये कुछ अलग था, मतलब हमें पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। क्योंकि हम गूगल मैप लगा के चल रहे थे, तो इस टाइप के जगह में ना गूगल मैप आपका काम करना बंद कर देता है, मतलब वो कोई भी रास्ता आपको दिखा देगा और आप लोग को लगेगा कि गूगल मैप दिखाया है तो सही होगा, बट हम यहाँ पे इतने बुरे फंसे थे। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, ब्रेकफास्ट के बाद हम निकले थे, तो हमने सोचा लंच वगैरह जैसे 1:30-2 बजे हम लोग लंच करेंगे, बट ये जो रास्ता गूगल ने दिखाया ये सीधा पहाड़ टू पहाड़ जा रहा है, मतलब ना बीच में एक दुकान नहीं है, कुछ भी नहीं था। यहाँ एक पहाड़ हम चढ़ रहे हैं, थोड़ा उतर रहे हैं, फिर दूसरा पहाड़ चढ़ रहे हैं, तो हमने करीब, हमने काउंट किया करीब 7-8 पहाड़ हमने सिर्फ चढ़ा है यहाँ पे, और सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ था, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, ना वॉशरूम, ना पेट्रोल पंप, ना कुछ भी नहीं था। तो फिलहाल हमने अच्छा किया, पेट्रोल हम भरा लिए थे सुबह ही, तो वो सारा चीज़। और हमारे पास खाने को भी स्नैक्स वगैरह गाड़ी में था, तो उतना दिक्कत नहीं था, भूख बहुत ज़्यादा लग रहा था, बट हम वो स्नैक्स वगैरह खा खा के काम चला रहे थे। अदरवाइज़ यहाँ पे एक भी दुकान नहीं है,
तो और यहाँ का रास्ता भी इतना खराब था ना, मतलब पीच रोड तो है बट यहाँ पे है कि लैंडस्लाइड शायद बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हमने रास्ते में बहुत सारा लैंडस्लाइड का जो पार्ट है वो हमने देखा था। तो रिसेंटली हुआ होगा या यहाँ पे होते रहता होगा हर बारिश वगैरह सब में। सुबह हमने वॉश करवाया गाड़ी और फिर से ये हाल है। फाइनली अभी हमारा लंच हो रहा है, क्या शाम का 6:30 बजे हमारा लंच हो रहा है। कितना देर के बाद जाके ये मिला कुछ हमें ढंग का। चलो बहुत भूख लगा है, क्या चले पिज्जा चले क्या मिला भी तो इतना सारा चीज मिला एक साथ। वही तो, नहीं तो कुछ भी मिल ही नहीं रहा था। वही कैसा लगा, खाली पेट? स्नैक्स वगैरह था हमारे पास, खाए हम लोग थोड़ा बहुत। चलो देखते हैं, तो एक ही मॉल टाइप में सब कुछ है, KFC है, पिज्जा हट है और इधर हल्दीराम है। चलते हैं पिज्जा हट। ये मेनू लाए हो या पूरा बोर्ड ले आए हो उनका? नॉन वेज ही। चिकन सुप्रीम। हाँ चिकन सुप्रीम, चिकन ये वाला चिकन टिक्का सुप्रीम। और कुछ पीने का मंगाओ, क्या है पीने का? में फ्रेश लाइम है। ये है हमारा लंच, लंच है या स्नैक्स है जो भी समझ लो। और इधर है कोल्ड ड्रिंक। तो फाइनली हम अभी इंटर कर रहे हैं अमृतसर और अभी कुछ 9 बज रहा है और इधर आते इतने सारे रेस्टोरेंट, इतने सारे ढाबा, तो ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि हम सुबह में इतना झेलाए हैं। और छोटा सा रूम टूर कर देते हैं, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं हम लोग। ये इस टाइप का रूम है, सिंपल सा बेड है, यहाँ पे सामान है। हम आते ही सामान सबसे पहले बेड पे डंप करते हैं और फिर इधर TV है, सामने 2 चेयर है, एक छोटा सा फ्रिज है, चलता है बट रखने लायक कुछ था नहीं हमारे पास। और इधर छोटा सा बालकनी टाइप का है और यहाँ पे भी हमारा सामान, हम आते हैं तो सामान सबसे पहले फैलाते हैं। और छोटू सा फ्रिज है, बाद में इधर मैं चॉकलेट वगैरह रख दी थी। और बाथरूम, बाथरूम तो एक छोटा रूम बराबर है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे अलमीरा है और इसके अंदर में जो है ब्लैंकेट्स है, क्योंकि अमृतसर में उतना ठंड है नहीं बट रात वगैरह समय लग सकता है इसलिए ब्लैंकेट्स वगैरह प्रोवाइड है। आयरन है यहाँ पे और फिर हेयर ड्रायर है, मेरा हाथ टैन हो गया एकदम। और यहाँ पे ड्रायर है और इतना बड़ा वॉशरूम है, यहाँ पे आप क्रिकेट भी खेल सकते हैं। तो बस, और काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे। मिरर है काफ़ी बड़ा सा बट अभी एकदम भी देखने के मूड में नहीं है, अभी बस बस मन कर रहा है ड्रेस चेंज करके सो जाएं। हाँ डिनर करके सोएंगे। तो बस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा होगा लाइक करना, शेयर करना और द मुर्मू कपल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।